हेलो गाइस, वेलकम टू टेकअप। मैंने इससे पहले पीटर का फ़ोन की अनबॉक्सिंग की वीडियो डाली थी जिसमें साउंड थी। इसमें मैं आपको रिव्यू के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस फ़ोन को 1 मंथ हो चुका है, सो इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या क्वालिटी है और ये आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। मैंने इसको फ़्लिपकार्ट से ख़रीदा था, जो ये है F2N Plus मॉडल, जो जल्दी से मतलब ऑफलाइन नहीं मिलता है, इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन रिकमेंड किया था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐड हैं F2N से। वो मैं इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, डिस्प्ले आपको दिख रहा है, उसके अंदर शो कर रहा है, एक सिम शो कर रहा है और दूसरा इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें एक ही सिम लगाई है। तो मैं आपको पीछे की ओर दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप इसको खोलेंगे तो इसमें बैटरी दिखेगी, जबकि दूसरे वाला जो इसमें F2N वाला जो मॉडल था उसके अंदर जो बैटरी थी वो ऐसे वायर वाली नहीं थी, वो ऐसे ही लग जाती थी पिन वाली, जो कि पुराने फ़ोन्स में लगती थी। उसका क्या मिसयूज़ है, उसका होता था अगर आपका फ़ोन बाय चांस नीचे गिर जाए तो बैटरी हिल जाती थी, लेकिन ये वायर वाली है तो अच्छी तरह से असेंबल हो जाती है। सो गाइस, इसमें इसका बेस्ट बेनिफिट है F2N Plus का, और इसमें 2 स्लॉट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैंने एक सिम लगाया हुआ है इसलिए मेरा 1 सिम इंसर्ट दिखा रहा है। तो बैटरी बैकअप मैंने देखा इसका काफ़ी अच्छा है, सो ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं इसके बारे में बता देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें साइड में अपग्रेडेशन के लिए दिया हुआ है, लेकिन इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप हेडफोन इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें FM रेडियो है, इसलिए इन्होंने ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर माइक्रो SD आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि FM रेडियो या फिर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है और इसका स्टोरेज फुल हो जाता है, तो आप इसमें एडिशनल ऐड करके इसका स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कुछ के पहले फ्लिपकार्ट में रिव्यू देखे थे कि इसकी साउंड नहीं है प्रॉपर, लेकिन मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 1 मंथ से, तो मुझे जो बैल बजती है, जो कॉल आती है, तो उसकी साउंड काफ़ी अच्छी आती है। ऐसा नहीं है कि हल्की है कि आवाज़ नहीं आती, काफ़ी हाई साउंड है, सो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके मैंने बटन्स यूज़ किए हैं तो काफ़ी सॉफ्ट हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। और इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं, स्पीकर का ऑप्शन है, और यहाँ पर हेडफोन से भी कनेक्ट हो सकता है ये। और यहाँ पर इसमें एक रिडायल का ऑप्शन दिया गया है, जो आपने लास्ट नंबर आपने डायल किया होगा वो उस पर टाइप करने पर उस पर कॉल लग जाती है। सो गाइस, इसमें मुझे एक फीचर से थोड़ा सही नहीं लगा, क्योंकि इसमें जैसे यहाँ पर बैक का ऑप्शन आप है देख पा रहे होंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको बीच वाला बटन दबाता हूँ तो ये बैक हो जाता है। जैसे कि मैं आपको इस फीचर्स के बारे में इसमें दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर ये मेन्यू का ऑप्शन है, आप देख पा रहे हैं फ़ोन बुक आ रही है बस, और इसका आप नीचे प्रेस करेंगे, मैसेजिंग है इसमें, कॉल सेंटर है, ऑर्गेनाइज़र है, सेटिंग्स, यहाँ पर आप इसको ओके करके सेटिंग्स में जा सकते हैं। यहाँ पर बैक का ऑप्शन है, मैं पहले सोच रहा था ये वाला बीच का बटन करने से ये ओपन हो जाएगा, लेकिन ये इसमें थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा कि मतलब यहाँ से करने पर ये बैक चला जाता है सीधा, मतलब थोड़ा या तो मुझे आदत नहीं है इसलिए, तो ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगा इसमें। बाकी तो यहाँ से आप पैक कर सकते हैं आराम से, इसलिए कॉल सेंटर है, ऑर्गेनाइजर है, सेटिंग्स है, प्रोफाइल्स है, FM रेडियो आप देख सकते हैं यहाँ पर, हम FM यहाँ पर मेरे पास इसमें मैं इस रूम में बैठा हूँ तो इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आपको इसका FM के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं FM रेडियो यहाँ पर आ रहा है, और आप इसके बाद ऑडियो प्लेयर का उसमें ऑप्शन है, इसको ओके करने पर इसमें मेमोरी कार्ड शो कर रहा है, अगर मेमोरी कार्ड लाऊंगा तो इसमें ऑडियो भी ऐड हो सकती है। साउंड रिकॉर्ड आप इसमें कर सकते हैं, ये F2N Plus वाले मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी F2N से काफ़ी अच्छा है ये, इसमें काफ़ी एडवांस है। और यहाँ पर एक सिम की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वापस हम फोन बुक में आ गए हैं। सो गाइस, यहाँ पर बैक कर लेता हूँ, मेन्यू में यही आता है, और SMS यहाँ पर आप SMS इसमें शॉर्टकट का बटन दिया हुआ, अगर आप यहाँ से SMS का बटन क्लिक करेंगे तो आप इनबॉक्स में आप अपने नंबर्स वगैरह जो भी है, जो भी SMS आए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर कॉल लिस्ट के बारे में बता दूँगा, जो आपके पास मिस कॉल आई है यहाँ आप इसको ओके करके जो भी है देख सकते हैं, और ये इसी कॉल से डायरेक्ट कॉल डिलीट कॉल्स भी कर सकते हैं कॉल हिस्ट्री में।
यहाँ पर आप वन प्रेस करेंगे तो आप किसी को रैंडमली ऐड कर सकते हैं वॉइस नंबर से, जो भी आपको शॉर्टकट्स के लिए याद करना है, जैसे कि किसी का भी अपना फैमिली नंबर आप इसमें ऐड कर सकते हैं और वन टाइप करने पर कॉल उसी को ही लग जाएगी। ये इसमें एक एडवांस है और यहाँ पर आप रीडायल का मैंने आपको बता ही चुका हूँ। बाकी बटन्स वगैरह काफ़ी स्मूथली वर्क करते हैं, बाकी इसमें मुझे कोई कमी नहीं लगी है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मुझे 2400 रुपीज़ का पड़ा है। बाकी मैंने इसको यूज़ किया है साउंड क्वालिटी की, मैं अगर वॉइस कॉलिंग की बात बता दूँ तो इसकी वॉइस कॉलिंग इतनी अच्छी है कि फ़ोन से भी बेटर साउंड इसमें आती है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी अच्छी साउंड इसमें प्रोवाइड करता है। और ये अगर इसको आप ऐसे ही रिसीवर उठा के छोड़ देंगे तो ये वॉइस देखो इसकी अभी साउंड आने लगेगी, जैसे कि ये बोलना शुरू कर देता है कि ये आपने प्रॉपर नहीं रखा है इसको। तो ये भी मुझे एक अच्छा लगा इसका। और बाकी स्पीकर से जब कॉल होती है तो स्पीकर की साउंड भी काफ़ी तेज़ है और बात आप आराम से स्मूथली कर सकते हैं इसमें। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो काफ़ी लाइट वेट है और स्लिम बना हुआ है सेट, कोई ऐसा नहीं कि मोटा है और छोटा ही है, तो काफ़ी अच्छा लगता है इसको। मैंने तो घर के लिए लिया था ये, मुझे सही लगा। चार्जिंग भी इसमें काफ़ी जल्दी हो जाती है और बैकअप भी ये काफ़ी अच्छा देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।